बहुत ही इंटेंस एक्सपीरियंस था। दो ढाई महीने हम शूट कर रहे थे, मुंबई में अलग अलग जगहों पे शूट किया, और बहुत सेट्स थे, बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, बहुत सारे एक्टर्स थे, बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो ये सारे एलिमेंट्स तो थे ही, बट उसके साथ ही मैं मुंबई के हिस्ट्री पे, महाराष्ट्र के हिस्ट्री पे पहली बार एक स्क्रिप्ट लिखी गई है, इस मुद्दे को पहली बार सामने लाया गया है। तो मेरे खुद के जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर है वो इन्वॉल्व थे इस मूवमेंट में, तो मेरे लिए ये बहुत ही पर्सनल और इम्पोर्टेंट बात थी कि मैं इस सीरीज़ का हिस्सा बनूं। और बहुत भाग्यशाली समझती हूँ मैं कि इतने बड़े एक्टर्स के साथ इतने बड़े कैनवस पे एक इतना उम्दा कैरेक्टर मुझे करने को मिला। जयप्रद इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, और द को एक्टर्स आर जस्ट लाइक इट्स अ ट्रीट टू वर्क विद देम। और बहुत खून पसीना एक करके वी हैव मेड दिस शो, एंड नाउ इट्स आउट देयर फॉर एवरीबडी। इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस सबसे पहले तो, और मैं स्पेशली मैंशन करूँगा इस बारे में कि Z5 ने जो सब्जेक्ट को सपोर्ट किया, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैं कई दफ़ा ही कहता हूँ कि हमारी जनरेशन को काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई हैं, इसलिए वी हैव टेकन सर्टन थिंग्स फॉर ग्रांटेड, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस। और दूसरी बात कि मुंबई वॉज ऑलवेज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। द डे आई लाइक जब से मुझे याद है, द डे आई वॉज बॉर्न आई न्यू मुंबई इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन उसके पीछे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, ये दिखाना कहीं तो भी बहुत ज़रूरी था, बिकॉज मुंबई में देयर इज दिस हुतात्मा चौक, सब जाते हैं, सबको पता है, लेकिन उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। वी सेलिब्रेट महाराष्ट्र डे ऑन 1st of May, वॉट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड इट, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी था आवाम तक पहुँचाने के लिए। और आज आपने पहला एपिसोड देखा है, मैंने भी पहली दफ़ा देखा है। आई एम श्योर, इसके पहले जब मैं इंटरव्यूज देता था तो मैं सिर्फ कहता था कि आई होप दैट यू लाइक इट, बट आज ये एपिसोड देखने के बाद वी ऑल वर स्पेल बाउंड एंड आई एम श्योर यू लव दिस। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि ज़रूर देखिए 1st May को ये प्रेमियर करी है वेब सीरीज ऑन Z5, सो डू वॉच इट एंड डू लेट अस नो हाउ यू फील अबाउट इट। डेफिनेटली हम भी ये बात कहेंगे कि लोग इसे देखें, क्योंकि लोगों को इसके बारे में मालूम भी होना चाहिए। सर आप बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड अंजलि जी के साथ। जी जी, मुझे लगता है कि एक तो हम सबके लिए ये हिस्ट्री का एजुकेशन था ये सीरीज़ में काम करना, जिसके वजह से हमें खुद के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चल जाता है और हम बेहतर इंसान बनते हैं। और मैं एक रिपोर्टर का काम कर रहा हूँ इसमें, तो होता क्या कि एक तो फिल्मों में ऐसे रिपोर्टर दिखाते हैं जो बहुत ही आइडियलिस्टिक है, या तो ऐसे दिखते हैं कि बहुत ही करप्ट है। इनके बीच के जो रिपोर्टर है उनकी कहानी कोई नहीं बताता कि मतलब उसमें भी मतलब बहुत अच्छाइयाँ है, वो करना चाहता है पर कुछ कर नहीं पाता। और मुझे लगता है कि ये बहुत रेलेवेंट है कि आज जिस तरह से मीडिया इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया हम सबके लाइफ का, तो 1950s में मीडिया किस तरह से काम करता था, क्या होता था, तो वो सारी चीज़ों को जानना, और मीडिया पॉलिटिक्स से बाकी चीज़ों के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता था, तो वो इस शो में बहुत दिखाया गया है। और अंजलि और वैभव और सभी कलाकार जो इस सीरीज़ में हैं, मुझे लगता है कि वो मराठी के सबसे अच्छे एक्टर्स में से एक हैं, हिंदी में भी काफ़ी काम करते हैं, तो इन सब के साथ काम करना एक तरह का एजुकेशन था। और मुझे लगता है कि हम जब सिर्फ अपने आप के काम, खुद के काम के बारे में सोचते हैं तो काम कभी अच्छा नहीं बनता, जब आप टीम के बारे में सोचते हो, आप बड़े गोल के बारे में सोचते हो, तो काम अच्छा बनता है। और मुझे लगता है इसी वजह से ये सीरीज़ काफ़ी अच्छे से उभर के आई है। नहीं, ये ऐसा, एक तो वो ऐसा रिपोर्टर है जिसको पता है कि कहाँ किस तरह का सवाल पूछना है और कहाँ किस तरह का सवाल नहीं पूछना है, तो वो रिपोर्टर में हूँ। अंजलि जी, क्योंकि आपने ये बताया कि बहुत सही जवाब दिया है, बट डिप्लोमेटिक पर सही जवाब, हार्ड हिटिंग जवाब, इट्स अ राइट आंसर। बट एंड क्योंकि अंजलि जी, जैसा कि आपने ये बताया और हमें भी पता चला, आज ही पता चला कि आपकी फैमिली मेंबर भी इस में रियल लाइफ में
के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी उनकी बायोपिक सामने आ रही है, लेकिन इस तरह से जैसा कि जैसा हम जर्नलिस्ट हैं लेकिन हमने भी सिर्फ पढ़ा ही है कि हुतात्मा चौक पे इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ऐसे पूरे डिटेल में नहीं मालूम जो अभी इस वेब सीरीज के जरिए लोगों को पता चलेगी। तो आपके लिए एज एन एक्टर एज एन ह्यूमन बींग कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है? बहुत बड़ा प्रिविलेज मोमेंट होता है ये, क्योंकि भले ही मेरे नाना जी और नानी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, मगर उसके बावजूद हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में इसके बारे में है ही नहीं। और मैं मराठी माध्यम में से पढ़ी हूँ, तो हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में, किताबों में, या कहीं भी स्कूलों में, चर्चाओं में, कहीं भी इस मूवमेंट का, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, इसके बारे में कहीं भी कुछ बताया नहीं गया है। तो मेरे लिए खुद को ये इस हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा लेसन था। मैंने खुद ने जाना, समझा एक महाराष्ट्र इस स्टेट से बिलोंग करने का मतलब क्या होता है, और मुंबई में रहने का मतलब क्या है। इंटेंस था बहुत मेरे लिए ये पूरा जो जर्नी जो मेरी थी वो। और एज एन आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम मौके मिलते हैं आपको, बहुत दफ़े तो आप ये कमर्शियल और क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के बीच में जूझते रहते हैं। हमारी भी बहुत सारी मूल्यों की, तत्वों की लड़ाइयाँ चलती रहती है। तो ऐसे स्ट्रगल में जब आपको एक ऐसा काम करने का मौका मिलता है जहाँ आप सोशली रेलेवेंट, सोशली रिस्पॉन्सिबल आप काम करते हो और हिस्ट्री का हिस्सा बनते हो, इतिहास का हिस्सा बनते हो, विच इज़ बेस्ड ऑन ऑथेंटिक रिसर्च, ये मतलब उससे मतलब बड़ा नसीब कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए जाते जाते आपकी वेब सीरीज ऑन एयर होने वाली है, तो क्या कुछ मैसेज? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ मी को हुतात्मा प्रीमियर कर रही है Z5 पे। सो अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो प्लीज़ इसको डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें। और आई फील इट्स अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि आजकल यूथ ओरिएंटेड चीज़ें बहुत चल रही है, आई फील दिस इज़ द सब्जेक्ट, क्योंकि मेरी जनरेशन को ये इसके बारे में जब बताएंगे इस वेब सीरीज़ के थ्रू, तो दे विल डेफिनेटली लव टू वॉच द वेब सीरीज़। दो सीज़न है वेब सीरीज़ के, तो पहला सीज़न फर्स्ट को रिलीज़ हो रहा है एंड सब्सिक्वेंटली सेकेंड सीज़न भी रिलीज़ होगा। और इसमें जो भी दिखाया है, मुझे यकीन है कि आवाम इस बात से मुत्तफिक होगी कि ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, एंड द डायरेक्टर हैज़ डन अ फैबुलस जॉब। सो आई फील एज एन ऑडियंस आई कैन से इट्स अ मस्ट वॉच। बहुत सारी घटनाएं फ़िलहाल चल रही हैं, चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग चल रही है, और बहुत सारे लोग बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं। स्पेशली युवा जो है भारत का, वो बहुत परेशान है, बहुत कंफ्यूज्ड भी है बहुत सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि बहुत सारे पहलू दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे मौके पर ये वेब सीरीज़ आ रही है, जो हिस्ट्री को आपके सामने लाती है और बहुत सारे पहलू इसमें दिखाए गए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि दिस विल गिव अ पर्सपेक्टिव, दिस विल एनलाइटन द यूथ, विल गिव द आइडियाज़ के हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो दादा परदादा हैं, उनके क्या सोच विचार थे, वो किन तत्वों से, किन मूल्यों से राजनीति, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ज़िंदगी को देखते थे। ये देखने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और इट्स अ ब्रिलियंटली रिटन स्क्रिप्ट, यूथ इज़ वेरी वेल एक्सपोज्ड टू गुड पीस ऑफ आर्ट, गुड पीस ऑफ वर्क। तो और हम चिल्लाते हैं कि हमारे यहाँ पे वैसे कुछ होता नहीं है, सब ट्रैश टाइप की चीज़ें आती है। तो ये एक मौका है यूथ को देखने का, अपनी मिट्टी से बनी हुई एक चीज़ है ऑफ सर्टन क्लास। सो प्लीज़ देखिए फर्स्ट ऑफ में, महाराष्ट्र दिन सेलिब्रेट कीजिएगा, महाराष्ट्र दिन हम सब लोगों के साथ हुतात्मा देख के। जी मुझे लगता है कि हम लोग, मतलब बहुत लोग जो होते हैं वो न्यूज़पेपर का सिर्फ पहला पेज पढ़ते हैं और लास्ट पेज पढ़ते हैं, और बीच में बहुत सारी छोटी छोटी न्यूज़ होती है वो पढ़ते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि पर जिस दिन हम वो पूरा न्यूज़पेपर गलती से पढ़ लेते हैं, तो दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, और अच्छा लगता है कि
लगता है कि यार ये सब कुछ है, तो मुझे लगता है हमारी सीरीज पूरा पेपर पढ़ने के जैसी है कि आपको फर्स्ट पेज पे एक कहानी दिखेगी पर उसकी बहुत बहुत मतलब उस कहानी की वजह से बहुत सारे लाइफ इफेक्ट होते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं, उनके बारे में बोलते नहीं हैं, तो वो सब की कहानी इसमें है। तो मतलब कहानी 15-20-25 कैरेक्टर्स की है, तो मुझे लगता है, और बॉम्बे को मतलब मुंबई को सपनों का शहर बताया जाता है, तो मुंबई अगर महाराष्ट्र में नहीं होता तो क्या होता हम सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए देखिए 1 मई को महाराष्ट्र दिन पे हुतात्मा। The subject, it's about, I would not say freedom, because this is in 1955, tab tak India, hamara Bharat swatantra ho chuka tha, lekin movement chala tha Maharashtra ke liye, Mumbai ke saath sanyukta Maharashtra, ye chahiye, kyunki hum Mumbai ke hain, aur hame Mumbai hamari chahiye thi. सेंटर से या कहीं और से मुंबई को कोई चला नहीं सकता, ये वो मूवमेंट थी। उसके लिए अलग अलग लोगों के अप्रोचेस थे, मतलब अलग अलग तरीके से उनकी आइडियोलॉजीज थी। मेरा नाम इस शो में मालिनी ताई सामंत है, जिन जो अहिंसावादी थी, गांधीवादी थी, उनका अपना एक नज़रिया था, अपना एक अप्रोच था। वो महिलाओं को इकट्ठा करके, वो कौन सी महिलाएँ थीं जो मिल मज़दूर थे, उस क्लास की महिलाओं को इकट्ठा करके उनको दिशा दिखा के कि हमारे लिए अपनी मुंबई के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, उनको इकट्ठा करके वो ये मूवमेंट चला रही थी। अब क्योंकि महिलाएं अलग अलग वर्ग से थी, अलग अलग क्लास की थी, अलग अलग थिंकिंग की थी, तो उसमें कोई इस बात पर विश्वास रखता था कि हिंसा ही इन लोगों को सीधा कर सकता है, जो मुंबई हमारी छीन रहे हैं, पेट्रोल बॉम्ब फेंको तो सही हो जाएगा। तो इन सारी औरतों की विचारधाराओं को एक साथ करके एक रास्ता पकड़ के चलना मालिनी ताई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और उसमें आ जाती है अंजलि, जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं। उन्होंने अपने पापा को लेना ना देना कुछ नहीं होता, उन्होंने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने पुलिस फायरिंग में मरते हुए देखा है, तो उनका गुस्सा उनके बदले की भावना है। तो ये मालिनी ताई उनको गार्डियन बन जाती है, उनकी गार्डियन बनती है, उनको प्रोटेक्शन देती है, उनके घर साथ, उनको अपने साथ घर में रखती है, बेटी की तरह प्यार करती हैं। तो उनका अंजलि के साथ रिश्ता, उनका अपने एक्स पति जो सचिन खेड़ेकर जी प्ले कर रहे हैं, उनके साथ रिश्ता, उनका महिलाओं के साथ रिश्ता, और इन सब के साथ जर्नी, ये संयुक्त महाराष्ट्र मुंबई के साथ की जो ये मूवमेंट, वो और एक छोटी सी नाइस प्योर स्वीट लव स्टोरी, ये सबका अमालगमेशन है ये शो। कंप्लीटली डायरेक्टर्स विजन, उन्होंने हमें नरेट की स्टोरी, जब नरेट की तभी बहुत कुछ समझा दिया था, उसके बाद आई स्क्रीन प्ले, पढ़ा और क्लियर हो गया, डायलॉग्स आए इतने संक्षेप में, एक्यूरेट, ज्यादा फैलाव नहीं, कि जहां पे एक्टर को समझ में नहीं आता कि अरे ये अभी क्या, सब सही था, स्केच बनाया था, आपको बस जाके मतलब आप समझिए ये मोल्ड है, ये मोल्ड में जाके मुझे बैठना है, इतना आसान किया था जयप्रद जी ने, क्योंकि ये उनकी अपनी, पूरा दिमाग उनका क्लियर था, और दैट हेल्प्स, क्योंकि जब डायरेक्टर आपको क्वेश्चन करने लगता है तब एक्टर अपना दिमाग चलाने लगता है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं पूछना पड़ा, कोई सवाल ही नहीं होते थे सेट पर जाके, सिर्फ ये कि सर ये डायलॉग में थोड़ा सा ऊंचे स्वर में बोलूँ या नीचे स्वर में, इतना अगर हुआ तो डिस्कशन, वरना कुछ नहीं, इतना क्लियर था। तो रिसर्च के लिए यस, मैं ये कहूँगी कि ये क्या मूवमेंट था वो तो पता होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर्स जैसे मैंने कहा फिक्टिशियस हैं, मालिनी ताई सामंत ये फिक्टिशियस कैरेक्टर है, नाम भी फिक्टिशियस है, लेकिन ये डिराइव हुआ है, कुछ लोगों को मिला के ये एक कैरेक्टर निकाला है, क्योंकि 5 अलग अलग तरीके के कैरेक्टर नहीं दिखा सकते, तो थोड़ी चीज़ें लेके एक कैरेक्टर बनाया है, उनकी विचारधारा, इन 5 लोगों की विचारधारा इस एक कैरेक्टर में डाल के ये कैरेक्टर प्रेजेंट किया गया है, ताकि बहुत एक बड़ा एरिया आप कवर कर सको।
तो मेरे ख्याल से रिसर्च सिर्फ उस मूवमेंट के बारे में किया, रिसर्च इन द सेंस थोड़ा पढ़ा, और ज़्यादा मैंने अपना दिमाग नहीं खपाया. इट्स बेटर दैट टू गो विथ वन विजन, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स पीरियड ड्रामा बहुत डिफिकल्ट होता है. इसमें आप अपनी एडलिप भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त की ज़ुबान, उस वक्त का लहजा, उस वक्त की भाषा, हर चीज़ अलग होती है. तो जो लिखा लिख कर दिया गया है उसको बोलो, जितना डायरेक्टर कह रहा है उतना करो. आई थिंक द प्रॉब्लम इज सॉर्टेड. जैसा मैंने कहा कि एक तो सबसे पहले जिन लोगों के साथ आई बीन फॉर्चुनेट, ऊपर वाले का करम है कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया वो बड़े क्लियर है अपने दिमाग में कि उनको क्या चाहिए. तो घर जाके एक थोड़ा सा उधर ही तुरंत आप जो एक जो नरेशन है या जो कुछ भी है उसको आप एब्जॉर्ब करके घर पे आते हो. उसके बाद यू नो यू ट्राई एंड सी कि अच्छा ये करूँ तो, अच्छा वो करूँ तो, अच्छा ये करूँ तो, बहुत अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लेके चलती हूँ. फिर और एक मीटिंग करती हूँ डायरेक्टर साहब के साथ, उनसे पूछती हूँ ये मैंने सोचा है, इसमें से क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ, ताकि मैं सेट पर जाके उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, क्योंकि उस वक्त को हज़ार चीज़ें करते रहते. तो मैं पहले शूट से ऑन द फ्लोर से पहले मैं उनसे एक बार जाके और मिलती हूँ कि मैंने इतना सब कुछ सोच के रखा है, आपको क्या चाहिए. फिर वो खुद ही बोल देते हैं कि ये नहीं चाहिए, ये सोच सकते, ये चाहिए. सो यू आर क्लियर. सो इट्स लाइक थोड़ा सा होमवर्क एग्जाम से पहले करना बहुत ज़रूरी है, एंड जो मैं करती हूँ. और मेरे ख्याल से लाइक आई सेड, ऑल राइटर्स एंड डायरेक्टर्स हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू गेट सच ग्रेट पीपल इन माई लाइफ टू. तो वो यादगार रहा होगा. You asked me a very, very, very beautiful question. As an actor, every actor goes through this, that today I am low and today I am high. Success hota hai, kuch cheez appreciate hoti hai, to bahut khushi hoti hai, you're on top of the world. Lekin aapke haath se kaam chhoot jata hai, aapko, for me, criticize koi karta hai, to it's like, you know, mujhe seekhne ke liye hai, to I don't take it bad. If somebody says that I hated your work, फ़ाइन, आई नीड टू, मैं बहुत गलत हो गई कहीं पे, तो मुझे अब इट्स लाइक सब्ज़ी ख़राब हो जाती है तो आप वही नहीं खिलाते हो ना लोगों को, आप नहीं बना के खिलाते हो, वैसा है. तो क्रिटिसिज्म मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, काम छूट जाता है, हाथ से काम चला गया, लोगों ने काम नोटिस नहीं किया, कुड बी 100 थिंग्स जो आपको लो कर सकती हैं. आपको खुश करने वाली चीज़ें बहुत एक दो होती हैं, लेकिन इंसान जब अंदर से खुश रहे, अपने आप पर उसका विश्वास हो, तभी वो खुश रहेगा. सबसे पहले ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड. और जब वो खुश होता है ना, तभी आपके अंदर से अच्छा काम आता है. फिर भले ही वो विलन का काम हो, या रोने धोने का काम हो, या कॉमेडी हो, या हंसने का हो, या कुछ भी ना करने का, आप सिर्फ खड़े हो झाड़ की तरह. यू हैव टू बी हैप्पी इनसाइड. एंड हाउ टू बी हैप्पी, जितनी भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं तोलो तराजू में. मैं ये करती हूँ, तराजू में तोलो, भाई मेरा डिप्रेशन वाला या नेगेटिव पलड़ा बड़ा भारी हो रहा है, तो मैं ये खुशी के पलड़े में थोड़े ज़्यादा वैल्यू ऐड करती हूँ कि अरे ये देखो इतना अप्रिशिएट हुआ था, अरे चार पांच और चीज़ें आप याद करो जिसको अप्रिशिएट किया गया, ये पलड़ा भारी हो जाता है, ये कम हो जाता है, खुश रहो. मैं खुश रहती हूँ और मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उन्हीं लोगों से बातें करती हूँ जो बातें करते हैं. बड़बड़ करो और सामने वाला यूँ बैठा रहा है, तो उन लोगों से बात नहीं करती. I don't know, take away, I would not know that answer, ki one, what can you take away from Hutatma, but I can, yeah, I can announce the release if you can, yeah. Hutatma ye hamara show Z5 pe aayega, first May 2019 se, 7 episode aap ek saath dekh sakenge. देखना मत भूलिएगा, देख के आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको एक अलग दुनिया में लेके जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें खुल जाएंगी, बहुत सारे रिश्ते सामने आएंगे. और ये बहुत ही अलग तरीके का शो है, जैसा मेरे, अगर आपने ये मेरा इंटरव्यू सुना होगा तो उसमें पता चला होगा आपको कि किस किस एस्पेक्ट को छूता है. तो Z5 पे 1 मई 2019 से हुतात्मा
7 एपिसोड, और उसके लिए आपको बस आपके स्मार्ट टीवी पे जाके Zee5 को डाउनलोड करना है, आई मीन सब्सक्राइब करना है और एंजॉय करना है हुतात्मा।